ईश्वर का आवाहन करती हैं, ईश्वर से आग्रह करती हैं। वो कहती है करुण पुकार कर रही है, बल्कि ये कहना चाहिए आग्रह भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए करुण पुकार। यहाँ पर उनकी करुण पुकार किसके लिए है? ईश्वर के लिए है। और वो कहती है जाने कब सुन मेरी पुकार, देव करें भव सागर पार, कि ईश्वर जाने कब मेरी पुकार को सुनेंगे, मेरी इस करुण पुकार को सुनेंगे, कब सुनेंगे पता नहीं, जाने कब मेरी ईश्वर इस करुण पुकार को सुनकर मुझे भव सागर से पार उतारेंगे। भव सागर हमने पहले भी आपको बताया था, इस संसार को कहते हैं भव सागर। भव सागर क्योंकि ये संसार में आने के बाद सुख दुख, सुख कभी आते हैं कभी दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, और इन सुख और दुखों को सहते सहते पूरा जीवन बीत जाता है। इसीलिए इसे भव सागर कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कभी मनुष्य सुखी होता है कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, और इस प्रकार से उसका संपूर्ण जीवन कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। तो ये देखा जाए, वस्तुतः देखा जाए तो ये हमारा घर नहीं है, हमारा कवित्री के अनुसार, कवित्री के अनुसार ये उनका घर नहीं है। उनका घर कौन सा है? ईश्वर का घर, जहाँ ईश्वर निवास करते हैं वही उनका घर है, क्योंकि ईश्वर के पास से ही हम आए हैं। ईश्वर ने हमारी ये पृथ्वी जो है हमारी कर्म भूमि है, यहाँ पर हम कर्म करने आते हैं, और कर्म करने के बाद जब हमारा वो कर्म काल पूरा हो जाता है हम पुनः अपने घर लौट जाते हैं। तो कवित्री के अनुसार ये जो भव सागर है वो कब जाने, वो देव उनकी कब पुकार सुनेंगे और कब उन्हें इस भव सागर से पार उतारेंगे। अब वो क्या कहती है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार से आपने मिट्टी के कच्चे बर्तन देखे होंगे, जब मिट्टी के कच्चे बर्तनों में पानी डाला जाता है तो धीरे धीरे करके वो पानी रिस कर, यानी कि क्योंकि बर्तन कच्चा है, वो पानी धीरे 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 उसमें से रिस कर और पूरा पानी निकल जाता है। तो वो कह रही है इसी प्रकार से, जिस प्रकार से कच्चे बर्तन में पानी डालने के बाद पानी उसमें रुकता नहीं है, वो पानी धीरे धीरे उससे निकल जाता है, वैसे ही मैं प्रयास कर रही हूँ और मेरे प्रयास भी धीरे वो व्यर्थ होते जा रहे हैं। ईश्वर प्रयास कौन से कर रही है? ईश्वर की प्राप्ति के प्रयास, लेकिन मेरे प्रयास विफल होते जा रहे हैं, मेरा कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा था। ठीक उसी प्रकार जैसे मिट्टी के कच्चे बर्तन में यदि पानी डाल दिया जाए तो वो पानी धीरे धीरे रिस कर निकल जाता है, बर्तन बर्तन रिक्त हो जाता है, वो पानी बर्तन से निकल जाता है। उसी प्रकार मेरे भी ईश्वर प्राप्ति के जो भी प्रयास हैं वो विफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रहूं घर जाने की चाह घेरे। उनके हृदय में, जी का मतलब है हृदय या दिल कह सकते हैं, उनके दिल में उनके हृदय में रह रहकर एक हूक उठती है। हूक का मतलब है एक वेदना, एक ईश्वर की याद। हूक का मतलब है एक तड़प, हूक हम तड़प कह सकते हैं, ईश्वर की याद में जो तड़प है, हम जब किसी से बहुत प्रेम करते हैं और उसकी याद करते हैं तो उस एक दिल में एक तड़प सी हमारी होती है। उनके हृदय में क्या तड़प है? घर जाने की चाह, ईश्वर की याद आती है उन्हें और वो घर जाने की चाह घेरे, उन्हें घर वापसी की बड़ी तमन्ना है। जी में उठती रह रहे हूक घर जाने की चाह घेरे। घर अर्थात ईश्वर का स्थान, जहाँ उनके इष्ट उनके प्रभु निवास करते हैं वही उनका उनका वास्तविक घर है। कवित्री ने इस संसार को उन्होंने वास्तविक घर नहीं माना है, उनके अनुसार उनका वास्तविक घर वही है जहाँ उनके इष्ट उनके ईश्वर निवास करते हैं, और उनके हृदय में रह रहकर ये करुण वेदना उठती है, तड़प उठती है, और उनका हृदय ईश्वर के पास जाने के लिए तड़प उठता है। जी में उठती रह रहे हूँ घर जाने की चाह घेरे। अब इसमें यदि आपको कोई मीनिंग कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बताइए कोई ऐसी लाइन जो आपको समझ में नहीं आई हो बोलिए, ताकि हम आगे बढ़े। समझ में आ गई है, वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आई है तो हैंड रेज कर दीजिए, हम आपको दोबारा रिपीट कर देंगे।
ओके, आपका किसी का भी हैंड रेज नहीं है, इट मींस आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कवित्री कह रही है अगले में, देखिए यहाँ पर उन्होंने, हमने आपसे बताया था मध्यम मार्ग अपनाने का, हर कवि जो है मध्यम मार्ग को ही अपनाने की सलाह देते हैं। वो क्या कहते हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर का शब्द है भोग विलास में लिप्त रहना, दुनिया में आकर ऐश्वर्य में, यहाँ के चमक दमक में, ऐश्वर्य में खो जाना है ना। इसी ऐसा ही ऐश्वर्य में खो जाने के लिए, दुनिया में आकर, यहाँ की रंग बिरंगी दुनिया में आकर खो जाने पर ही कवि कबीर दास ने एक बहुत अच्छा व्यंग किया है हम इंसानों पर। और उन्हें क्या कहा है, आए थे हरि भजन को घोटन लगे कपास। अर्थात हमको ईश्वर ने जन्म दिया है कि हम ईश्वर के अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए ईश्वर का ध्यान करते रहें, कर्तव्यों को पूरा करें और ईश्वर का ध्यान भी करें। इस कार्य के लिए प्रभु ने हमें भेजा था, लेकिन हम यहाँ पर केवल भोग विलास में डूब गए और ईश्वर को भूल गए। इसी पे कबीर ने ये दोहा कहा था, आए थे हरि भजन को घोटन लगे कपास। घोटन लगे कपास का मतलब है इसी दुनिया की भूल भुलैया में हम खो चुके हैं, हमें नहीं पता कि हम किस उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कवित्री ने यही बात अपरोक्ष रूप से, कवित्री भी यही बात कहना चाहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, अगर तू भोग विलास में स्वादिष्ट व्यंजनों में लगा रहा, खाने में लगा रहा, अर्थात भोग विलास में लिप्त रहा, तो तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। और क्या कहती है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तूने सभी कुछ, सब कुछ त्याग दिया और तूने संन्यास ग्रहण कर लिया, तो तू कैसा बन जाएगा संन्यास ग्रहण करने के बाद, अहंकारी। अहंकार क्यों आ जाएगा, अहंकार इसलिए आ जाएगा कि तुझे लगेगा अब तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैंने इस दुनिया को त्याग कर बहुत बड़ा काम किया है, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। तो कवित्री क्या कहती है, यदि भोग विलास में खा खा कर कुछ नहीं पाएगा, भोग विलास में डूबा रहा, तो भी तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। और यदि तूने सब कुछ त्याग कर वैराग्य हासिल कर लिया था, तूने तपस्या करके तपस्या में लीन हो गया, तो तू अहंकार में लिप्त हो जाएगा। समखा, समखा का तात्पर्य क्या है, अर्थात मध्यम मार्ग को अपना। समखा का मतलब है मध्यम मार्ग को अपना, तभी होगा संभावी। यदि तू मध्यम मार्ग को अपनाता है, बीच के मार्ग को अपनाता है, तभी क्या होगा, खुलेगी साकर बंद द्वार की, तभी मुक्ति रूपी जो द्वार है उसकी जो साकर तूने बंद कर रखी है, वो मुक्ति रूपी साकर खुल जाएगी। हाँ ठीक है, ओके। खुलेगी साकल बंद द्वार की, जो द्वार मुक्ति रूपी जो द्वार तूने अपने ही कार्यों से बंद कर रखा है, अगर तू समखा संभावी होगा यानी कि मध्यम मार्ग को अपनाएगा, तो वो तेरे लिए मुक्ति का मार्ग जो बंद है, वो स्वयं बंद साकल द्वार की अब स्वयं ही खुल जाएगी। जिसके में हमने आप लोगों को एक कविता बताई, कहानी बहुत अच्छी बताई थी कल, आपको याद है, नारद की और एक किसान की, जो अपने ईश्वर द्वारा दिए गए सारे कार्यों को पूरा करता था और बीच बीच में प्रभु का नाम सच्चे हृदय से लेता था। एक कहानी हमने आपको कल बताई थी, वही मध्यम मार्ग है, वही सबसे सुंदर और मध्यम मार्ग है, जहां हम अपने कर्तव्यों को भी पूरा करते हैं और ईश्वर की भक्ति भी शुद्ध भाव से करते हैं, उसी को मध्यम मार्ग कहा गया है। वही
बच्चों अपने आप ही डिक्लेयर ओके आ रहे ये पूछिए हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं आयुष शर्मा हाँ क्या पूछा जाता है आयुष शर्मा आप अनम्यूट हैं आयुष बताइए वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है वॉइस बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम है हम क्या कर सकते हैं इसमें बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है क्लास ओके मैम क्लास ले हाँ बेटा इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये तो नेटवर्क इशू आज का भी देखो क्लास क्लास अपने आप डिस्कनेक्ट हो गई थी अभी नेटवर्क इशू है इसमें हम कर सकते चलिए ओके मैम तो यहाँ पर मध्य मार्ग को अपनाने की सलाह दी है हाँ चलते हैं बच्चों आगे वो कहती हैं आई सीधी से आई नसीहा सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ जे कटी कौड़ी पाई माझी को दू क्या उतराई। अब यहाँ पर कहती है कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वही उस प्रक्रिया को वो बताती है कि मैं बिल्कुल जब इस संसार में आई थी तो मैं बहुत सीधी थी सरल थी ईश्वर ने हर इंसान भेजा होता बिल्कुल एक नहीं प्रतिरूप बनाकर भेजता है उसके अंदर वो सच्चा होता है सच्चा है जैसे वो हुआ है वो इस दुनिया में दुनिया के छल के अंदर आते जाते हैं इसी बात को वो कहती है आई सीधी राह से गई न सीधी जब मैं आई बड़ी गलती लेकिन जाने वक्त मेरी परिस्थितियां चली गई मेरी वो सरलता वो सहज कहीं ना कहीं खोती चली गई आई सीधी राह से गई सीधी यही है कि जब देखा होगा बच्चा होता है वो बच्चा कितना सीधा होता है जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें अपना पराया की भावना आ जाती है वो झूठ बोलना सीख जाता है धीरे धीरे करके और भी बड़ा तमाम कुछ बच्चे चोरी करना सीख जाते हैं लेकिन ये बात की प्रवृत्तियां हैं जो बाद में वो इस संसार में आने के बाद सीखता है लेकिन जब वो आता है जब छोटा होता है वो निष्कपट निष्कलंक होता है बच्चा। इसी बात को कवित्री कहती है आई सीधी रास्ते गई जब मैं आई थी तो मैं बहुत सीधी सादी थी लेकिन जब मैं जाने का तो मैं सीधी सरल नहीं रह गई अंदर होती और कुछ व्यक्ति होते हैं जो उन्हें जागृत करने नाड़ी के यदि सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो आती है। देखा होगा कुछ आप लोगों ने कि कुछ ऐसे साधु संत होते हैं जो एक स्थान पर खड़े खड़े कुछ चीजें प्रकट कर देते हैं तो वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती है जब नाड़ी जागृत हो जाती है सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है तो मनुष्य के अंदर कुछ बहुत अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। तो वो कहती है मैंने सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का प्रयास किया और इसी में भी मेरा और टोली अपना जीवन बीता मुझे कुछ भी लाभ दे
इसमें बेटा इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आज बहुत नेटवर्क इशू आ रहे हैं। चलिए तो जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दू क्या उतराई। तो जब मैं ईश्वर के इस जीवन को पार की जीवन की अवधि को पूरा करके जब मैं भव सागर के माझी के पास पहुंची, जो भव सागर से पार उतारने वाला माझी है, जब मैं उसके पास पहुंची और उसने मुझे उतराई के रूप में मुझे मेरा पारिश्रमिक मांगा, तो कवित्री के अनुसार उनके पास एक भी कौड़ी नहीं थी। कौड़ी तो, और ईश्वर को क्या चाहिए? हमारे शुभ कर्मों की पूंजी। उनको धन दौलत नहीं मांगते, वो क्या मांगते हैं? शुभ कर्म। जो कुछ हमने शुभ कर्म इन संसार में आकर किए हैं वही हमारी सच्ची पूंजी है जो हमारे साथ जाएगी। और ईश्वर जब हम जाते हैं और वो हमें पार उतारते हैं तो हमें हमसे पूछते हैं कि आपने कौन से शुभ कर्म किए बताइए। तो कवित्री कहती है मैंने तो पूरा जीवन केवल सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में निकाल दिया, मैंने शुभ कर्मों की पूंजी कमाई नहीं, अब मेरी जेबें खाली हैं, मैंने जेब टटोली कौड़ी न पाई। मैंने जब उतराई देने के लिए अपनी जेबों को टटोला तो मैंने पाया कि मेरे पास शुभ कर्मों की कोई पूंजी नहीं है और मैं अब सोच में पड़ गई कि माझी को अर्थात ईश्वर को पार उतारने के रूप में क्या उतराई दूं। ठीक है बच्चों, अब ये बात समझ में आ गई होगी। यदि कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप एंड में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। अब ये लास्ट है हमारा, थल थल में बसता है शिव ही। यहाँ पर ईश्वर की सर्वव्यापकता को की ओर संकेत करती हुई कवित्री कहती है थल थल यानी कि कण कण में, थल थल में बसता है शिव ही, कण कण में ईश्वर का निवास स्थान है। इस संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कि ईश्वर ना बसते हो। थल थल में बसता है शिव ही। शिव का अर्थ है कल्याण करने वाला। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, ये वर्ड आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम। तो इसका अर्थ कोई बताएगा, हमको बताएगा सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ है? क्या किसी को पता है सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ है? आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, कोई जानता है सत्यम शिवम सुंदरम का क्या अर्थ है? यदि जानते हो तो हैंड रेज करिए, बताइए हमको। कोई नहीं जानता। अच्छा, मोहिनी अग्रवाल, ठीक है, अभय बंसल, माल्या अग्रवाल, आयुषी सिंह, चलिए गुड। हम मोहिनी को अनम्यूट कर रहे हैं। यस मोहिनी बताइए सत्यम शिवम का क्या अर्थ है? मोहिनी मैम इसका मतलब है कि भगवान ही सत्य हैं और सत्य ही भगवान हैं और भगवान सबसे सुंदर हैं और भगवान ही सब कुछ है। और कोई बताना चाहेगा? अभय बंसल। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम, इसका मतलब ये है कि जो मैम सत्यम शिवम की सत्य ही शिव हैं और शिव सबसे सुंदर हैं। और माल्या अग्रवाल यस मैम, माल्या अग्रवाल मैम इसका मतलब है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओके आयुषी गुप्ता, आयुषी गुप्ता बताइए, आप अनम्यूट हैं। आयुषी गुप्ता, ठीक है बच्चों, देखिए आपने सत्यम शिवम सुंदरम का वो मतलब बताया जो स्पष्ट हो रहा है शब्दों से, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ है, शिव का अर्थ है कल्याण। शिव का क्या अर्थ है? कल्याण। यहाँ पर शिव का अर्थ तो भगवान से है, लेकिन वैसे देखा जाए तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, क्योंकि शिव ने कल्याणकारी क्यों कहा जाता है शिव को, कल्याण करने वाले, क्योंकि शिव ने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष को का पान कर लिया था, तो इसलिए उन्हें कल्याणकारी कहा जाता है। और सत्यम शिवम का मतलब है
कि जो सत्य कल्याणकारी है वही सुंदर सत्य है। जो सत्य कल्याणकारी है, जो सत्य, वो सत्य जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। यानी कि अर्थात कहने का तात्पर्य आप समझिए, यदि किसी असत्य से, असत्य बोलने से भी यदि किसी का कल्याण हो रहा है तो वो असत्य बुरा नहीं है, और वो सत्य जिससे किसी का बुरा हो रहा है वो सत्य कल्याणकारी कभी नहीं हो सकता। आप समझ में आ रहे हैं? इस पर भी एक कहानी है, कभी आपको सुनाएंगे। जो सत्य, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम सत्य बोलते हैं लेकिन उससे किसी का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और जिस भी सत्य से किसी का नुकसान हो रहा है वो कल्याणकारी किस प्रकार हो सकता है? तो सत्य वही जो कल्याणकारी हो, इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। तो यहाँ पर सत्यम यानी कि वही सत्य जो कल्याणकारी है वही सुंदर है। अब आपको समझ में आया सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ ये है कि जो सत्य विश्व के लिए, समाज के लिए कल्याणकारी है वही सत्य सुंदर है। अगर किसी व्यक्ति का या किसी समाज का असत्य बोलने से कल्याण हो रहा हो तो उसे भी सुंदर ही कहा जाएगा। किसी का बुरा करने के लिए हम अगर सत्य बोलते हैं तो वो सत्य कल्याणकारी कभी नहीं हो सकता। तो अर्थ ये है कि जो सत्य सबका कल्याण करे वही सत्य सुंदर है ना। बहुत गूढ़ रहे से है बेटा, देखने में सत्यम शिवम सुंदर, जो सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य शिव है, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है जो सत्य कल्याणकारी है वही सुंदर है। यहाँ पे शिव जो है कल्याणकारी का अर्थ, शिव का अर्थ है कल्याण, कल्याण करने वाला। लेकिन इस पद में, इस कविता में शिव का अर्थ है ईश्वर, अर्थात शिव जी भगवान। तो कवित्री कह रही है, कवित्री क्या कह रही है, कवित्री कहती है कि कवित्री कहती है थल थल में बसता है शिव ही, हर कण में ईश्वर का निवास है, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान। हे मनुष्य, तुझे इस बात का भेद करने का कोई हक नहीं बनता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, क्योंकि ईश्वर ने तो केवल और केवल मनुष्य बनाए थे, उसने हिंदू मुसलमान की रचना नहीं की, उसने धर्मों की रचना नहीं करी, उसने केवल इंसान की रचना की है। तो तुझे भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में भेद करने का कोई भी हक नहीं बनता। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो तू अपने आप को पहचान ले, तू अपने आप को पहचान, वही है साहिब की, वही है साहिब से पहचान। ज्ञानी है तो तुम स्वयं को जान, यानी कि यदि तू वास्तव में ज्ञानी है तो तू अपनी पहचान कर कि तू ये शरीर नहीं, तू एक आत्मा है, एक नश्वर, एक नश्वर जिसका कभी नाश नहीं होता, जिस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जिसका कभी नाश नहीं होता, जो चलायमान है, वो आत्मा है तू। तू ये शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है। अगर यदि तूने इस सत्य को जान लिया, और आत्मा ईश्वर का अंश है, अगर तूने इस सत्य को जान लिया तो तू समझ ले कि तुझे वाकई में ईश्वर की पहचान, ईश्वर की वास्तविक पहचान हो गई है, वही है साहिब से पहचान। साहिब कौन? साहिब है हमारे परमात्मा, हमारे परमात्मा जिसका हम अंत अंश हैं। हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं। शरीर तो केवल एक एक कवर है जिसके अंदर हमारी आत्मा यानी कि वास्तविक स्वरूप निवास करता है। तो यदि तूने स्वयं को जान लिया, स्वयं को जानने का अर्थ यही है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। यदि तूने इस वास्तविकता को जान लिया तो तूने तू समझ ले कि तूने परमात्मा की भी तुझे सच्ची पहचान हो गई है। वही सिद्ध पुरुष है जिसने इस सत्य को जान लिया। और ऐसे ही सिद्ध पुरुष जो होते हैं, सिद्ध इंसान कहना चाहिए, पुरुष नहीं कहना चाहिए, इंसान कहना चाहिए, वही उसी को ईश्वर की सच्ची पहचान हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो अब इसका कल, अब यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है, कल इसका हम टेस्ट लेंगे ओरल, और आशय भी पूछेंगे इससे क्या आशय है। इसलिए पूरी तरह से तैयारी करके कल क्लास में आइएगा।
हम आपसे ये बात खुलकर पूछेंगे कि आपकी आपने इससे क्या समझा, भेद बताए, इसका व्याख्या स्पष्ट कीजिए। तो अब मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, कल मिलते हैं बच्चों।